विवाहित तो पुरुष को प्रेम करुले सावधान कारण जदि आपण बह कथा जाणी संपर्क रखुंट ताहले अड़ुआर पड़े कई पिठी पड़े प्रतारणा हेकु दुष्कर्म अभियोग आणिले कोर्टे यह ग्रहणयोग्य हेबनी। पुरुष बहित थिबा जाणी मध्य महिला जदि तांको सह यौन संपर्क जारी रखि थांती तेबे मिथ्या विवाह प्रतिश्रुति रे बलात्कार अभियोग ग्रहण करा जिवो नाही। एमिति किछि निष्पत्ति सुनाइछन्ति केरल हाइकोर्ट। दुहिंक मध्यरे एभली यौन संपर्क केवल प्रेम और आवेग कुहा जिवो किंतु विवाह मिथ्या प्रतिश्रुति आधारित बोली कुहा जिवो नाही। जस्टिस कौसर एडागापाथ खंडपीठ यह राय देइछन्ति। अभियोग अनुजाई महिला जनक 2010 रु आवेदनकारी यौन संपर्क रखुते पुरुष जनक बहित बोली से 2013 रु जाना पाइले। यह सत्वे से 2019 पर्यंत यौन संपर्क जारी रखिबे बोली स्वीकार करिसेंति। तेणु मिथ्या विवाह प्रतिश्रुति पुरुष जनक यौन संपर्क रखुवा अभियोग खंडपीठ खारज कर देइछन्ति। कहिसेंति विवाह प्रतिश्रुति यौन संपर्क रखिबा परे यदि प्रतिश्रुति भंग करा जाय तेबे आईपीसी धारा 376 बलात्कार मामला रुजु हो पार। एठारे महिला जनक पुरुष को बहित जाणी संपर्क रखुवर एठार मिथ्या बह प्रस्तुति आल देखा जाई पारिबो नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। बहित पुरुष को प्रेम करुले सावधान कारण जदि आपण बह कथा जाणी संपर्क रखुंट ताहले अड़ुआर पड़े कई पिठी पड़े प्रतारणा हेकु दुष्कर्म अभियोग आणिले कोर्टे यह ग्रहणयोग्य हेबनी। पुरुष बहित थिबा जाणी मध्य महिला जदि तांको सह यौन संपर्क जारी रखि थांती तेबे मिथ्या विवाह प्रतिश्रुति रे बलात्कार अभियोग ग्रहण करा जिवो नाही। एमिति किछि निष्पत्ति सुनाइछन्ति केरल हाइकोर्ट। दुहिंक मध्यरे एभली यौन संपर्क केवल प्रेम और आवेग कुहा जिवो किंतु विवाह मिथ्या प्रतिश्रुति आधारित बोली कुहा जिवो नाही। जस्टिस कौसर एडागापाथ खंडपीठ यह राय देइछन्ति। अभियोग अनुजाई महिला जनक 2010 रु आवेदनकारी यौन संपर्क रखुते पुरुष जनक बहित बोली से 2013 रु जाना पाइले। यह सत्वे से 2019 पर्यंत यौन संपर्क जारी रखिबे बोली स्वीकार करिसेंति। तेणु मिथ्या विवाह प्रतिश्रुति पुरुष जनक यौन संपर्क रखुवा अभियोग खंडपीठ खारज कर देइछन्ति। कहिसेंति विवाह प्रतिश्रुति यौन संपर्क रखिबा परे यदि प्रतिश्रुति भंग करा जाय तेबे आईपीसी धारा 376 बलात्कार मामला रुजु हो पार। एठारे महिला जनक पुरुष को बहित जाणी संपर्क रखुवर एठार मिथ्या बह प्रस्तुति आल देखा जाई पारिबो नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।